गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू VPSC ऑनलाइन क्लासेस है। आई एम योर इंग्लिश ग्रामर टीचर, माय नेम इज शांति। सो लेट्स स्टार्ट योर थर्ड चैप्टर, ऑफ योर बुक। सो लेट्स स्टार्ट नेम फर्नीचर। सो बच्चों, चलिए आज हम आपका चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है फर्नीचर। सबसे पहले बच्चों, हम आपको ये बता दें कि फर्नीचर हमारे मतलब किस किस काम आते हैं। फर्नीचर मतलब क्या होता है? फर्नीचर मतलब बच्चों ये होता है, जैसे कि हमारे घर में टेबल होती है, चेयर होती है, कपबोर्ड होता है, सोफ़ा होता है। कपबोर्ड मतलब बच्चों अलमारी होता है, बेंच होता है, टेबल होता है, बेड होता है, चारपाई होता है, स्टूल होता है, विंडो हो गया, जो लकड़ी मतलब जो लकड़ी से बने होते हैं वो सब चीज़ हमारे फर्नीचर होते हैं। ठीक है बच्चों, और जैसे कि दरवाज़ा हो गया आपका। बच्चों दरवाज़ा हर किसी घर में लगा होता है, खिड़की भी हर किसी घर में लगी होती है, और ये सब जो फर्नीचर्स हैं ये नॉर्मल सबके घर में होता है। बच्चों चारपाई बहुत कम होता है जो हर किसी घर में हो, लेकिन ज़्यादातर घर में चारपाई होता है। बच्चों चारपाई हमारे नॉर्मल लेटने के काम आता है, जैसे कि बाहर अगर बहुत गर्मी है तो हम बाहर चारपाई लगा के सो गए, हमारे घर में लाइट चली गई, बिल्कुल इतनी गर्मी हो रही है तो बाहर थोड़ा सा खुली हवा में हम चारपाई लगा के सो गए, इसलिए काम आता है। उठने बैठने के काम आता है। बच्चों बेंच हो गया, बेंच भी हम उठने बैठने के काम आते हैं, जैसे कि अगर घर के अंदर हो, चाहे वैसे तो बेंच जो घर के बाहर ही मतलब बाहर ही लगा होता है, घर के अंदर तो हमारा जो है ये टेबल चेयर ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब तीसरा नेक्स्ट आता है बच्चों चेयर। चेयर हमारे चेयर हर किसी के पास होती है, चाहे वो कोई भी हो, हर किसी घर में होता है चेयर। अलमारी बच्चों सभी के घर में, आजकल सभी के कपड़े बहुत सब लोग जो है कपड़े खरीदने के बहुत शौकीन हैं, तो सबके घर में अलमारी होता है, उनको भी अलमारी चाहिए अपने कपड़े रखने के लिए। अपना बच्चों ये जो अलमारी होती है इसमें हम अपना चाहे हम कपड़े रखें, चाहे इसमें हम अपने कॉपी बुक्स रखें, चाहे हम कुछ भी रखें, इसमें हम कुछ भी रख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये जो मेन अलमारी जो ये सेफ होता है बच्चों, इसमें हम कपड़े रखते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें हम अपने कपड़े को हम मतलब ये अलमारी में हम लॉक करके भी रख सकते हैं। जैसे कि हमारे कोई भी अगर हमारे ज्वेलरी भी होती हैं तो ये अलमारी हमारे मेन इम्पॉर्टेंट सामान के लिए होती है, जिसे हम बच्चों उसको लॉक करके रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये बेड है आपका। बेड हमारे उठने बैठने के सोने के काम मेन हमारे सोने के काम आता है। डोर हो गया, दरवाज़ा बच्चों दरवाज़ा तो हर किसी के घर में होता है। सेफ हो गया, ये अलमारी हो गया, फिर सोफ़ा हो गया, सोफ़ा भी ज़्यादातर लोग घर में होता है, तो ये बच्चों सोफ़ा हो गया। स्टूल, ये स्टूल हो गया बच्चों आपका। ये टेबल हो गया, ये वार्डरोब हो गया, ये आपका विंडो हो गया। बच्चों अब हम फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। COT मतलब बच्चों चारपाई। नेक्स्ट है बच्चों BENCH बेंच, मतलब बच्चों बेंच ही होता है। नेक्स्ट आता है CHAIR चेयर, मतलब होता है बच्चों कुर्सी। नेक्स्ट है CUPBOARD कपबोर्ड, कपबोर्ड मतलब बच्चों अलमारी होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका BED बेड, बेड मतलब होता है बेड। बेड मतलब तो आपका हिंदी में भी चाहे बेड बोलते हैं, इंग्लिश में भी बच्चों हम लोग बेड ही बोलते हैं। नेक्स्ट आता है DOOR डोर, डोर मतलब बच्चों होता है दरवाज़ा। दरवाज़ा हर किसी घर में होता है, मैंने आपको चीज़ पहले ही बताई है। और नेक्स्ट आता है बच्चों आपका SAFE सेफ। सेफ मतलब बच्चों एक अलमारी होती है जो जिसमें आप अपने इम्पोर्टेंट सामान रख सकते हैं, क्योंकि ये लॉक करने वाला होता है। और नेक्स्ट आता है बच्चों सोफ़ा, SOFA सोफ़ा। सोफ़ा हमारे मेन हमारे घर में जो मेहमान आते हैं उनके लिए ज़्यादातर उनके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हम अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सोफ़ा जो होता है मेन हमारे गेस्ट के लिए ही होता है। नेक्स्ट आता है बच्चों STOOL स्टूल। स्टूल में बच्चों हम स्टूल से हम कोई भी काम कर, चाहे हमें बैठना हो, चाहे हमें खड़े होना हो, चाहे कुछ भी करना हो, इससे हम स्टूल से बच्चों हम कुछ भी काम, इसमें कोई सामान रखना हो, कुछ भी कर सकते हैं बच्चों। स्टूल हमारे हर किसी काम आता है। नेक्स्ट आता है बच्चों TABLE टेबल। टेबल हमारे इस मेन तो हमारे स्टडी के काम आता है, हम इसमें गेस्ट लोगों को जो है
मतलब कुछ खाने पीने का सामान देना हो तो हम वो भी दे सकते हैं, जैसे गेस्ट आए हैं तो उनके लिए कुछ खाना पीना पानी देना, नाश्ता पानी देना, तो उनके लिए हम इसमें दे सकते हैं। WARDROBE वार्डरोब मतलब जो होता है एक, यह भी एक अलमारी जैसा ही होता है जिसमें हम अपना सामान रख सकते हैं। बच्चों देखिए इसमें आपके ये सब कपड़े पड़े हुए हैं, तो बच्चों एक वार्डरोब जो होता है वो भी हमारा एक इस अलमारी जैसा ही होता है। इसको भी हम लॉक कर सकते हैं, इसको भी हम लॉक कर सकते हैं, इसमें जो ये कपबोर्ड होता है बच्चों इसको हम लॉक नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है WINDOW विंडो। विंडो मतलब होता है बच्चों खिड़की, खिड़की हर किसी घर में होती है, इसलिए WINDOW ये होता है विंडो, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों आज हम आपकी वीडियो इतनी यहीं तक ही आपको पढ़ाते हैं। मैं आशा करती हूँ कि जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है या आप अच्छे से रिवीजन करेंगे। बच्चों मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ जिससे कि आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम ना हो और आपको ज़्यादा बर्डन ना आए आपके ऊपर, ठीक है बच्चों। तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही आप थोड़ा थोड़ा करके अपने घर में पढ़िए और अच्छे से पढ़ाई करिए और सेफ रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों।